हाथरस के बहुचर्चित गैंगरेप मर्डर केस में जिला अदालत ने आरोपी संदीप को आजीवन कारावास के साथ 50,000 आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। वहीं इस मामले में तीन आरोपियों को रामू, लोकुश और रवि को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। अदालत ने चार्जशीट पर अंतिम बहस के दौरान माना कि रामू, लोकुश और रवि के खिलाफ अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका। गौरतलब है कि 2020 में हुए यह गैंगरेप मर्डर कांड काफी सुर्खियों में था। दरिंदों ने पहले दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इसमें कुछ संगठनों ने भी पीड़िता परिवार की मदद की। मामला तूल पकड़ने के बाद प्रदेश सरकार ने इस वारदात के प्रति गंभीरता दिखाई और रिकॉर्ड समय में चार्जशीट दाखिल हो सकी। अब ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत ने गुरुवार को आरोपी संदीप को सजा सुनाई है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।